डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन आदर्श विद्या विहार इंग्लिश ग्रामर्स पीरियड। वी हैव लर्नड द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। टुडे वी विल लर्न द फ्यूचर टेंस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर टेंस का जो पहला पार्ट है द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसको आज हम करेंगे। इस टेंस का जो हिंदी का वाक्य है उसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी आदि आए वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। जब इस वाक्य को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका नियम है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब भी इस टेंस में दो हैं, विल और शैल। विल का प्रयोग हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं और शैल का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। तो यहां इस टेंस के अंदर हमारे सामने एक नई समस्या आई पर्सन की, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन एंड व्हाट इज सेकंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आई इज द फर्स्ट पर्सन सुपर पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो फर्स्ट पर्सन इसमें आई है। सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे या कोई ना। इसको दूसरे शब्दों में समझिए कि जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, उसकी बातें जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में चर्चा की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। प्रैप्स द पॉइंट हैव क्लियर, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इसका कोई हिंदी का वाक्य हो और यदि वो वाक्य साधारण वाक्य है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम है। पहला, साधारण वाक्यों में कर्ता सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड और थर्ड पर्सन आपको बताए जा चुके हैं कि सुनने वाला यू और जिसके बारे में चर्चा की जा रही है ही सी इट या दे, थर्ड पर्सन के साथ विल, और कर्ता फर्स्ट पर्सन यानी आई वी के साथ हम शैल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे मोहन एक कहानी लिखेगा, इस वाक्य के अंत में गा आया, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मोहन सिंगुलर है, एकवचन है, लेकिन आप मोहन के बारे में हम चर्चा करें कि मोहन कौन सा पर्सन है, मोहन की हम चर्चा कर रहे हैं तो ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि बोलने वाला अलग है, सुनने वाला अलग है, मोहन तीसरा है, वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। हम इसके साथ से विल लगाएंगे और विशेष करके इस टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाएंगे और फर्स्ट पर्सन के साथ हम शै लगाएंगे। तो मोहन विल राइट ए स्टोरी, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है, मोहन सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इसका एक दूसरा वाक्य लेते हैं प्लूरल का, हम एक कहानी लिखेंगे, प्लूरल है हम, यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, आई का प्लूरल है वी, तो आई के साथ पहले बताया जा चुका था कि शैल लगेगा, तो वी शैल राइट ए स्टोरी, हम एक कहानी लिखेंगे। यदि हम बात करें सेकंड पर्सन की, तुम एक कहानी लिखोगे, यू विल राइट ए स्टोरी, यू के साथ हमने विल का प्रयोग किया, मोहन के साथ हमने विल का प्रयोग किया और फर्स्ट पर्सन के साथ हमने शैल का प्रयोग किया, ये ध्यान रखने योग्य बात है। लेकिन इसमें आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ एक अपवाद भी है। जब फर्स्ट पर्सन किसी बात को लेकर के दृढ़ संकल्पित होता है कि मैं तो ये कार्य अवश्य करूंगा, जब अवश्य शब्द आता है या किसी बात पर बल दिया जाता है तो हम विल का प्रयोग भी करते हैं। जैसे हम इसी वाक्य को लें तो इसको हमने एक साधारण वाक्य मान लिया कि हम एक कहानी लिखेंगे, वी शैल राइट ए स्टोरी। यदि हम दृढ़ संकल्पित हों कि हम एक कहानी लिखेंगे, यदि इसी के ऊपर दबाव दिया जाए तो हम शैल की अपेक्षा यहाँ विल का प्रयोग करेंगे, वी विल राइट ए स्टोरी, क्योंकि वो हमारा दृढ़ संकल्प है, हमने कार्य करने का निश्चय कर लिया है, इसलिए हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो मेरे विचार से ये क्लियर हो चुका होगा, विल शैल वाला भी और साधारण वाक्य का नियम। अब इसका नियम नंबर दो, नकारात्मक वाक्य में यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले कर्ता और कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो आपको पहले बताया जा चुका है कि विल का प्रयोग सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ और शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। उसके बाद नोट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन एक कहानी नहीं लिखेगा, मोहन विल नॉट राइट ए स्टोरी, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नोट आया, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टोरी ऑब्जेक्ट। सेकंड इसका टेंस हम लेते हैं प्लूरल का,
हम एक कहानी नहीं लिखेंगे, वी शैल नॉट राइट ए स्टोरी, वी प्लूरल है, हमने शैल का प्रयोग किया, लेकिन फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन प्लूरल नहीं है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तब हमने शैल का प्रयोग किया, वी शैल नॉट राइट ए स्टोरी। नियम नंबर 3,